मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज पर आपका स्वागत है और मिथिला मच न्यूज हर अपडेट खबर आप तक तुरंत पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मिथिला मच न्यूज की टीम पूरी तन्मयता के साथ लगी, क्योंकि आज के समय में अगर आप अपडेट नहीं रहते हैं तो ये आपकी विनैतिक जिम्मेवारी है कि आपके आसपास क्षेत्र में क्या घटना घटी। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप 5 खबर। 8 जनवरी ट्रेड यूनियनों के व्यापक भारत बंद को लेकर के दरभंगा में भी बंद का असर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि वामपंथी जनवादी संगठनों एवं एक किसान से लेकर के हवाई यात्रा में भी शामिल तमाम कर्मचारी, चाहे रेलवे हो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, सभी में जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो जनवादी हैं, जो ट्रेड यूनियन के हैं, उन लोगों के द्वारा व्यापक भारत सरकार और केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन छेड़ा गया है। इसी के तहत 8 जनवरी को दरभंगा में भी बंद का असर देखा गया। सुबह सुबह दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी SUCI एवं अन्य जनवादी संगठनों के द्वारा रेल रोका गया। ट्रेन को रोकते हुए उन लोगों ने भारत सरकार की विफलता यानी केंद्र सरकार की विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार महंगाई के साथ कई अन्य मुद्दों पर देश को पीछे ढकेल रही है और ऐसे मुद्दों को ला रही है जिसे आम जनता का कोई सरोकार नहीं है। तो इसे लेकर के राजीव चौधरी एवं नारायण जी झा के साथ कई संगठनों ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका। उसके बाद दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर भी वामपंथी दल के छात्र नेताओं ने JNU के मुद्दे को लेकर के भी चेन को रोका। नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध जो किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है और पूरे देश के किसानों मजदूरों को तबाह कर दिया है। किसानों का कर्जा माफी का सवाल था जो वादा करके मुकर गया, किसानों के उपजा का दुगुना लागत मूल्य देने की बात थी वो भी वादा करके मुकर गया। किसानों को 60 बरस से ऊपर के मजदूर किसानों को 10,000 मासिक पेंशन देने का बात था वो भी मुकर गया। इन तमाम बातों को लेकर जो देश में आज महंगाई चरम पर है, प्याज 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है, सब सारे जीवनोपयोगी दवाई का दाम बढ़ा दिया गया है, जीवनोपयोगी सामान का दाम बढ़ा दिया गया है और लोगों को ठगने का काम कर रहा है, उसके विरोध में आज नरेंद्र मोदी के किसान विरोधी, श्रम विरोधी और किसानों के आत्महत्या के सवाल पर हमारे 210 किसान संगठन आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारे जितने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सब सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारे ट्रेड यूनियन जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज जो किसान विरोधी ये सरकार किसानों पर लगातार हमला कर रही है, मजदूरों को छटनी कर रही है, 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को 10,000 मासिक पेंशन देने में कोई बात नहीं सुन रही है, किसानों का कर्ज माफी नहीं हो रही है, इस सवाल पर आज संपूर्ण भारत बंद है। आज संपूर्ण भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। किसान सभा के आंदोलन होगा। दरभंगा प्रक्षेत्र के मिथिला क्षेत्र के IG पंकज दराब का तबादला पटना हो गया और अजिताभ कुमार 1997 बैच के IPS अधिकारी मिथिला रेंज के IG के प्रभार में दरभंगा आएंगे। कल IG पंकज दराब के विदाई समारोह को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दरभंगा नगर निगम के द्वारा आम जनताओं के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। गौरतलब है कि दरभंगा नगर निगम के द्वारा विभिन्न मुख्य सड़क के बगल में बड़े नाले का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन ठेकेदारों की बदसलूकी या लापरवाही की वजह से विगत कई दिनों से कई जगह नाला खोद कर रख दिया गया है, जिससे घर से लोगों को सड़क पर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि इसे लेकर के आम लोगों ने कई बार, स्थानीय लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों तक से इसकी मांग की कि जल्द से जल्द या तो नाला निर्माण पूरा कर दिया जाए या उनको घर से सड़क तक आने का रास्ता दिया जाए, लेकिन इस पर पूरी तरह मूक दर्शक ठेकेदारों की मनमानी की वजह से
दरभंगा के स्वीटहोम चौक से लेकर के बलबंदरपुर तक के भी लोग काफी परेशान और चिंतित है। कई बार दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। देर शाम जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो खड्डे में पैर चले जाने की वजह से कई लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके, लेकिन इससे ठेकेदारों को कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई योजना बनती है तो उसे आम जनता को लाभान्वित करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन टाल मटोल एवं लापरवाही से कई लोगों के जीवन को खतरा भी हो सकता है, जिसके प्रति दरभंगा नगर निगम पूरी तरह मूक दर्शक बन गया। दरभंगा नगर निगम का भी नैतिक दायित्व बनता है कि वो इस बात की जानकारी हासिल करे जो ठेकेदार सड़क या नाला निर्माण कर रहा है क्या वो समय पर कर रहा है, क्या उसे आम जनता को कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा। चलिए हम आपको दिखाते हैं, नगर नंबर 6 पर करीब दर्जन भर घर के लोगों का घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो गया है। दरभंगा की जनता की सबसे बड़ी जीत तब कही जाएगी जबकि यहां के लोगों को दरभंगा डीएमसीएच परिसर में एम्स का निर्माण दिखेगा, और इसे लेकर के दरभंगा के एमपी गोपाल जी ठाकुर के सतत प्रयास और भी कई नेताओं का ऐसे प्रयास माना जा सकता है, लेकिन गोपाल जी ठाकुर ने संसद में लगातार इस आवाज को मजबूत किया, जिसके तहत अश्विनी चौबे ने ये एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें यह कहा गया कि जल्द ही एम्स पर अधिसूचना जारी होगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स के शिलान्यास करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि इसे लेकर के अंदर से ही भारतीय जनता पार्टी की तैयारी लगभग चरम पर है। इसे लेकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है कि अगर दरभंगा में एम्स का निर्माण होता है तो यहां कम से कम 27 जिले के लोगों को फायदा पहुंचेगा। अपने समाचार पत्र के माध्यम से भी और सोशल मीडिया से भी आपको जानकारी मिली होगी, दरभंगा में एम्स स्वीकृत हो गया, एम्स को स्वीकृति मिल गई है दरभंगा में इसकी स्थापना के लिए। पीछे काफी समय से इसके लिए प्रयासरत थे हमारे माननीय सांसद जी, कई सारे लोगों की बीच में सार्थक प्रयास रहा जिसका सुखद परिणाम ये होगा दरभंगा में ही एम्स का स्थापना होगा। दरभंगा नगर निगम में चूहों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि मरीज के साथ नर्स को भी काम करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर आप देखें तो शाम होते ही दरभंगा के सीसीडब्ल्यू वार्ड में चूहों का आतंक इस तरह होता है कि मरीज के बेड पर बड़े बड़े चूहा कूदते नजर आते हैं, तो कभी नर्सेस के छड़ने के रूम में बड़े चूहे नजर आने से कई सामानों के उपकरणों के तार को भी काटा गया है या उपकरणों को खराब किया गया है। इस चूहे को कोई सजा इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि इस पर कोई कानून लागू नहीं होता है, लेकिन इन लोगों का आतंक इतना अधिक बढ़ गया है कि मरीजों का नर्सों का कार्य करना काफी मुश्किल है। इसे लेकर के कई बार दबे जुबान से शिकायत दर्ज कराई जाती है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। सबका कहना है कि मरीज के परिजन वहां खाना बनाते हैं तो चूहों का रहना स्वाभाविक है। जो अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सब जगह चूहे हैं तो अस्पताल में अगर चूहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आपको याद दिला दें इसी चूहे के काटने से बच्चे की मौत को लेकर के एक सनसनी फैली थी पूरे बिहार में, डीएमसीएच को शर्मसार होना पड़ा था। लेकिन डीएमसीएच में जो सफाई कर्मचारी हैं अगर नियमित रूप से डीडीटी का छिड़काव करें तो हमें लगता है कि इस परिसर से चूहों को भगाया जा सकता है, लेकिन इसके प्रति पूरी तरह मूकदर्शक है अस्पताल प्रशासन। और आतंक इतना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है और इसके लिए जवाबदेह अस्पताल प्रशासन ही होगा। पूरा डीएमसीएच पूरा में चूहा, बड़ा चूहा तो एक जैसे हम है वैसे क्या मौत सबको बना कर भेज। दरभंगा नगर निगम के द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों पर है, तो इसे लेकर के एक सप्ताह पहले से दरभंगा नगर निगम ने घोषणा कर दी थी माइकिंग के जरिए सभी जगह कि जो अतिक्रमणकारी अतिक्रमण किए हुए हैं वो अपना अतिक्रमण हटा ले, क्योंकि उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, उनके सामान भी हटाए जा सकते हैं, मकान को भी तोड़ा जा सकता है। अतिक्रमणकारियों के अलावा हम बता दें फुटकर विक्रेता संघ दरभंगा के विभिन्न सड़कों के बगल में अपना ठेला चलाते नजर आते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से सड़क जाम होती है, दुर्घटना भी होती है। इन लोगों ने कहा है कि नगर निगम अगर हमको हटाती है तो हमें लिए वेंडर जोन भी बनाए। इसे लेकर के दरभंगा के कर्पूरी चौक पर एक फुटकर विक्रेता संघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सबों ने निर्णय लिया कि अगर इस तरह का अगर जबरदस्ती नगर निगम हमें खाली कराती है तो हम नगर निगम के लिए एक मार्च करेंगे, और इसे लेकर के आज एक मार्च भी होगा। लेकिन हम बता दें कि नगर निगम के क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण से आम जनता को परेशानी तो होती है लेकिन फायदा पहुंचता है नगर निगम के उन कर्मचारी को, जैसे ही अतिक्रमणकारी हटते हैं
फिर पैसे लेकर के वहीं पर लगाने की अनुमति दी जाती है। सवाल यह है कि अगर अतिक्रमणकारियों के बीच भय पुलिस और नगर निगम का नहीं होगा तो ये अतिक्रमण धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। हर नए दिन लोग अपने ठेला घुमती लेकर के सड़क के किनारे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे बगल वाला तो लगा रहा, उसे आप रोकिए, तब हम रुकेंगे। इस तरह से दरभंगा में अतिक्रमण एक बड़ा समस्या हो जाएगा घुसपैठिए की तरह, और बाद में इसे लेकर के राजनीति भी होगी, धरना प्रदर्शन होगा और फिर इसे ठंडे बस्ती में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आम जनता को परेशान होते सभी लोग देख रहे हैं। और अस्पताल और इसके अलावा अगर कहें तो जो जिला प्रशासन और जिला पुलिस इसमें अधिक कुछ नहीं कर पाए। आज बैठक एकाएक बुलाया गया है कि नगर निगम के द्वारा प्रचार जो शहर में चल रहा है अतिक्रमणों का, आज मान लीजिए क्या एक आप अतिक्रमणों जो निकाल दिया, इससे पहले बैठक मीटिंग में पास कर दिया था कि अपनी नगर निगम की जमीन में बैंडिंग जोन अतिनियम का जो कानून बना इसका पास बना, इसका जो पास कर दिया गया इसका बैंडिंग जोन अतिनियम आ गया, पैसा आ गया, ठेकेदारी हो गया, आज तक हाथ लगाने की काम इस पर कोई जोर तक जो नहीं किया। लेकिन ये अतिक्रमणों गरीब को पेट पर लात मारने की बात हुआ था, अगले टीवीसी की मीटिंग में पास कर गया था कि रोड से दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ की महानगर इकाई की बैठक बेता में तारीगामी के अध्यक्षता में हो रही है, और इस बैठक में मुख्य रूप से नगर निगम प्रशासन जिला प्रशासन द्वारा बिना बैंडिंग जोन अधिनियम का पालन किए हुए बिना शहरी विक्रय समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव को लागू किए हुए शहर में पुनः अतिक्रमण हटाने के नाम पर दुकानदारों को प्रशासनिक स्तर। भारतीय जनता पार्टी का सीएए के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान जारी है। बहादुरपुर के खरासपुर गांव में संजय सरावगी, नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा वहां हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर खरासपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीएए और एनपीआर जो लागू किया है वो हर व्यक्ति के फायदे के लिए है, क्योंकि कभी भी हिंदू मुस्लिम को भेद करके इस पर नहीं आका जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं हैं वो हिंदू और मुस्लिम सबके लिए बराबर है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक को लेकर के मुस्लिमों को बहकाकर सड़क पर लाने का प्रयास करते हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर भेद उत्पन्न होगा। संजय सरावगी ने यह भी कहा कि अगर उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिली तो सभी को मिली, लेकिन ये लोग बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सीए पर जन समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से दरभंगा में व्यापक तौर पर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जिसके तहत संजय सरावगी खरासपुर गांव पहुंचे। सीए के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं जो यहाँ के आम लोगों के बीच, यहाँ आप देख रहे होंगे कि कोई किसी के लिए प्रयास नहीं कर रहा, आम जनता स्वतः आपूर्त होकर के हस्ताक्षर अभियान में सम्मिलित होकर प्रधानमंत्री के हाथों को बुलंद करने का काम किया जा रहा। जिस सपना को हमारे माननीय महापुरुषों ने देखा था, राष्ट्रपिता जी हस्ताक्षर अभियान जो चल रहा है पूरे देश में वो बड़े ही विस्तृत स्तर पर चलाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और हम कार्यकर्ताओं में बहुत ही अति उत्साह है कि हम लोग इसे बहुत आयात रूप दें, ताकि हम लोग यह जन जन और घर घर तक इस बात को पहुंचा सके कि यह जो कानून है वह हमारे देश हित के लिए है, न कि देश के अहित के लिए। इसलिए सारे पब्लिकों से मैं यह गुजारिश करूंगी, कार्यक्रम से मैं दीजिए इजाजत, लेकिन आपको हम बता दें लगातार मिथिला मस्त न्यूज की टीम आपको हर अपडेट खबर पहुंचाने का प्रयास करती है। अगर आपके आसपास के क्षेत्र में कोई घटना घटती है या कोई बड़ी वारदात होती है तो मिथिला मस्त न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर आप वीडियो भेज सकते हैं और उस संबंध में कुछ तथ्य देकर जानकारी दे सकते हैं, ताकि आपके हर वीडियो की खबर आम जनता तक सही तरीके से पहुंच सके, क्योंकि आपका भी फर्ज बनता है कि हर सही तथ्य को प्रशासन एवं जनता तक पहुंचाने का। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब में हर अपडेट खबर, मिथिला मंच न्यूज फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें।
गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरिया सराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था, लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम के शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट बिसरटोला, दरभंगा हॉस्पिटल। मिथिलांचल का गौरव, आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द, संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा।